हम बात कर रहे हैं आईआरबी इंफ्रा की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको फ़िलहाल 1% के ऊपर के अपसाइड के साथ इस वक्त स्टॉक जो है 65.79 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गिरावट के बाद स्टॉक का ट्रेंड जो है बदल चुका है, अब ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। हम देख सकते हैं स्टॉक जहां इससे पहले सपोर्ट लिया था, देख सकते हैं रिजेक्शन भी फेस किया था, अगेन उसी लेवल पर रिजेक्शन फेस करता नज़र आ रहा है। कौन से लेवल पर? 66 के लेवल पर स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है। पहले सपोर्ट लेवल था, अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट के चांस बनेंगे। आईआरबी इंफ्रा यहाँ से और अप ट्रेंड दिखा सकता है। इसके चार्ट पैटर्न को देखो तो स्टॉक लगातार अप ट्रेंड दिखा रहा है, गिरावट के बाद जंप आ रहा है और स्टॉक अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट देता नज़र आ रहा है, तो और अपसाइड यहाँ से हमको देखने के लिए मिल सकता है। नीचे की ओर इमीडिएट सपोर्ट है 64 का लेवल, ब्रेकडाउन कर जाता है तो मेजर सपोर्ट है 60 का लेवल। जब तक इसके ऊपर है अपसाइड के चांस बने हुए। 58-60 का जो लेवल है आईआरबी के लिए तगड़ा सपोर्ट, तो हम देख सकते हैं 66 के लेवल से स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो बड़ी सेलिंग नहीं आ रही है और स्टॉक में देखें तो जंप के बाद छोटी मोटी सी गिरावट आती है, अगेन जंप पर स्टॉक अपने रिसेंट हाई को ब्रेकआउट करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न यही हमको दर्शा रहा है कि जब भी छोटी मोटी गिरावट आती है तो अपना यहाँ रिसेंट हाई ब्रेकआउट होता नज़र आ रहा है अप ट्रेंड में। तो 66 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 68-70 का लेवल, जो कि इसका रेजिस्टेंस है जहाँ इससे पहले स्टॉक रिजेक्शन फेस कर रहा था। 70 का लेवल ब्रेकआउट किया था लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, तो इससे हमको ये समझ आ रहा है कि आईआरबी को लगातार तेज़ी के लिए 70 के ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन होना पड़ेगा। एक से दो दिन भी अगर 70 के ऊपर सस्टेन हो गया आईआरबी इंफ्रा, तो उसके बाद अपने इस रिसेंट हाई का ब्रेकआउट करके हमको 74 से लेके 80 तक के टारगेट दिखा सकता है। 80 तक का जंप फिर स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, हम कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।